हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लाइव। माय नेम इज शिल्पी। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाएंगे, सारे बच्चे जुड़ जाएंगे केडी लाइव के साथ। उसके बाद स्टार्ट करेंगे दो चार कह सकते हैं मोटिवेशन वाली लाइन, या कह सकते हैं जुनून वाली लाइन, या कुछ चीजें सीखने वाली लाइन कि अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, कुछ सीखेंगे यहाँ से। उसके बाद उसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने हमने क्या करना है, जिसमें हमने फिजिक्स का भी क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस और बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। तो आज अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्वेश्चंस लगा लेंगे और मंडे से बच्चों हम कुछ इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि हम टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है। मंडे से मैं कुछ इस तरीके से मेरे में जो दिमाग है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है कि मंडे से जो क्लासेस हो वो कैसे हो जाए, टॉपिक वाइज की जाए, आपके हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज कराया जाए, ठीक है। ऐसा कुछ बच्चों ने कहा भी था तो मैंने ऐसा कुछ सोचा है। तो स्टार्ट करते हैं, सारे बच्चे क्या करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी लाइक और शेयर के साथ। तो मैं जैसे जैसे मैं बच्चों के नाम देखते जाऊंगी, हेलो हाय करते जाऊंगी, आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अगर कोई बच्चा नया है तो लाइक तो करना ही करना होता है, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैम ने आपको उसके लिए ऑप्शन ही नहीं दिया कि नहीं वाला भी है, लाइक करना ही करना है, कंपलसरी है, ठीक है। तो बच्चों एक बार आपसे हेलो हाय करते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैं देख लूँ कौन कौन सा बच्चा पार्टी यहाँ जुड़ चुका है मेरे साथ। हाँ जी, तो सबसे पहले मुझे जो नाम दिख रहा है, नेहा सागर, राम राम मैडम जी जो हमारे कहाँ के हैं, गुड इवनिंग मैडम जी, ओके। उसके बाद मोहित हैं जो हमारे बैच के स्टूडेंट रही हैं, है भी है ना, चलिए। उसके बाद में कौन है, पिंटू चिंटू मिंटू आ गए हैं, गुड इवनिंग पिंटू, कैसे हैं। अभिषेक कुमार है, गुड इवनिंग पिंटू है, राजपूत है, दीपक कुमार है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, ओके ओके, जल्दी 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 आ जाओ भाई, सारे पिंटू हैं, मनोज है, निक्की है, दीपक है, ओके। इतनी जल्दी तुम्हारे कमेंट्स भाग रहे हैं, मेरी आंखें ऐसे, नीति गहलोत है केडी वाले, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, नीति गहलोत की जो है, गुड इवनिंग सारे ले लेंगे, ओके। उसके बाद में मनीषा है, गुड इवनिंग बच्चे कैसे हैं, तो जल्दी जल्दी आओ भाई, जल्दी जल्दी, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। रवि है, कुमार है, ओके, कुणाल है, चलिए। तो पहले लिख के लाई हूँ तुम्हारे लिए, मैं पहले वो तुम्हें समझाऊं कि यहाँ है क्या लाइनों का मतलब। कह रहा बच्चा रख भरोसा खुद पर, ठीक है, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, ठीक है, पक्षियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। कह रहा भाई कि पक्षियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, हैं तुम्हारे पास तो गूगल मैप है, ये है वो है, लेकिन इनके पास क्या है, लेकिन ये फिर भी अपना रास्ता बच्चे ढूंढ लेते हैं, है ना। तो खुद पर भरोसा, क्योंकि इनको पता है कि मुझे जाना वहां तक तो हम जाएंगे, मुझे पानी चाहिए तो हम जाके पानी लेंगे, हमें खाना चाहिए तो हम जाके खाना खाएंगे। वैसे ही आप अपने अंदर क्या लाइए, जुनून लाइए कि हमें सिलेक्शन लेना है, कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, लाइफ है ये तो आएगी आएगी, है ना, लाइफ तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, जैसे हमारे घर मेहमान आते हैं चले जाते हैं, वैसे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी चली जाएगी, ठीक है, लेकिन अपने एम को कभी मत छोड़ना, ठीक है। हमेशा याद रखना कि पढ़ाई शुरू किस लिए की थी, पढ़ाई शुरू किस लिए की थी, ये आपने दिमाग में लाके चीजें, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो भाई थोड़ा बहुत तुम्हें मैंने तुम्हारे अंदर जुनून डाल दिया है, ठीक है, अब इसी के साथ क्लास स्टार्ट कर देते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ ज्यादा तुम्हें समझा नहीं सकती, ठीक है, चलो। तो ये अगर ये बातें तुम्हारी मोटी सी जो बुद्धि है उसमें घुस जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बच्चा, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का जो क्या कहते हैं शक्ल है वो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, उसके बाद हम कार्यक्रम को बढ़ाते चले जाएंगे, उसके बाद तुमसे हेलो हाई करूंगी मैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ठीक है, और आराम आराम से आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना, ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है। टूथ इनामिल इज मेड अप ऑफ, कह रहा दंत इनामिल किससे बना होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, अच्छे से देना, बड़े प्यार प्यार से आंसर देना और बुद्धि लगा के आंसर देना, और मैं तब तक हेलो हाय कर लूं। दीपक है, ओके, और कौन है, वाह मैम जी वाह, वाह भाई वाह, ठीक है, सारे का तो वाह भाई वाह, चलिए हाँ। और लाइक और शेयर करते चलेंगे, लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, नहीं यहीं से तुम्हें मारकर फेंक के मारूंगी, याद रखना। और कोई, और हाँ, जय हिंद भाई, जय हिंद, ओके। सबसे पहला आंसर नीति गहलोत का है, तो देखो अगर आज आंसर सबसे पहले नीति गहलोत ने दिया तो क्लास बहुत अच्छी जाने वाली है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद में सुषमा राजपूत है, ए के साथ जा रहे हैं, मनीषा पहले, देखो जो ए में कंफ्यूज हो रहे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बड़े जो है दिमाग से आंसर करना है, भावुक नहीं होना है, ओके। वन डी, वन डी, वन डी मैम, डी डी डी, अच्छा देखो चलो डी मान लो तुम्हारा आंसर है, और बच्चे आंसर जो करना हमेशा नंबरिंग के साथ करना, ठीक है,
नंबरिंग के साथ, जैसे वन का आंसर कर रहे हो तो वन ए वन बी, ठीक है, वन सी, कहने का मतलब नंबरिंग करोगे, ठीक है, नंबरिंग करोगे। थोड़ा सा पेन और मोटा कर लू मैं, ठीक है बच्चों, नंबरिंग करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो बच्चे डी डी आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। सबसे पहली बात हम करते हैं मैम ये इनामिल होता क्या है, तो आओ तो मैं दिखाते हैं इनामिल क्या होता है। देखिए बहुत बार बता रखा है ये जो क्या होता है, क्राउन पार्ट होता है। क्राउन का मतलब होता है बच्चों जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, जो ये आपका ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम इनामिल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इनामिल कहते हैं। और याद रखना ये आपके बॉडी का बहुत बार बता रखा सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, सबसे हार्ड पार्ट होता है। क्यों होता है सबसे हार्ड पार्ट, क्योंकि बच्चे यहाँ पर पानी कितने परसेंट में है, तो यहाँ पे मैम पानी है ही नहीं, पानी यहाँ पर है 0% में, ठीक है। और जहां पे पानी किसमें है 0% में, वो चीज तो हार्ड होगी होगी। अब जैसे मिट्टी है, मिट्टी पे पानी डालो तो सॉफ्ट बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पानी है ही नहीं, तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि ये बहुत हार्ड है। अब ये दो चीजों से मिलकर बना होता है आपका दांत, एक तो आपको याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, प्लस कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बना है। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट भी था, कैल्शियम फॉस्फेट भी था, लेकिन बच्चों ने डी आंसर सही बताया है, डी आंसर में यही था। क्यों डी आंसर सही है, क्योंकि ये ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने कैल्शियम फॉस्फेट आंसर, देखो अगर कैल्शियम फॉस्फेट आंसर नहीं होता, अगर ऑप्शन में नहीं होता, तब तुम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जा सकते थे, लेकिन अगर दोनों है बच्चे तो ये वाला ऑप्शन आंसर आपका सही होगा। तो जिन बच्चों का आंसर डी था वो आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। ये इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इनामिल कहते हैं। और बच्चों देखो ये जो ऐसे नसें जा रही है ना, ये दो नस जाती है, नसें जाती है जो क्या होती है, यहां से मिनरल्स पोषक तत्व जो भी जरूरत है वो लेके जाती है, ग्लूकोज लेके जाती है। और बच्चों यहाँ पे देखो ग्लूकोज लेके जाती है, ठीक है, ग्लूकोज कैसा है, मीठा है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों वो आके इसी में जकड़ते हैं, ठीक है। तो जो आपका एक ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, आरटीसी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जब इसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि उसको आरसीटी करते हैं, उसमें इंजेक्शन डाल डाल के जो उसमें पशु है, ठीक है, उसे क्या करते हैं, उसे निकालते हैं। और तुम्हें इंजेक्शन देके ये सब कांड तुम्हारे दांत के साथ इंजेक्शन देके किया जाता है, क्योंकि अगर इंजेक्शन नहीं देंगे तो तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। चलो और क्वेश्चन ठीक ठाक से है तो बुद्धि खोल के आंसर करना, ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी मार रहे हो तुक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अति सुंदर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के स्तर को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, ब्लड डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, मेमोरी लॉस या प्रेगनेंसी। देखो मुझे पता है हीमोग्लोबिन से आप सब इसके बारे में तो पढ़ा रखा मैंने बहुत बार, ठीक है, लेकिन ये जो एक ग्लाइकेटेड वर्ड यहाँ पे ऐड किया है एग्जामिनर ने, ये तुम्हारी बुद्धि थोड़ा सा हिलाएगा, तुम्हारी बुद्धि को थोड़ा सा हिला देगा, ठीक है। तो आंसर करो जल्दी जल्दी, क्या आंसर सही आएगा। और पहले बता दूं क्वेश्चन आज ठीक ठाक से हैं, तो आराम आराम से जो है आंसर करना, ज्यादा भावुक नहीं होना, ठीक है, भावुक नहीं होना ज्यादा। तो चलो भाई आंसर कर दो फटाफट, फटाफट आंसर करो। हाँ मैम आपकी हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है, तो मतलब इसमें 15 से 20 मिनट लगाए हैं बिना अच्छा लगने के लिए, है पागल हूं मैं, बताओ। शिल्पी मैम कल कहाँ गई थी, तुम्हें पहले बता दूं, है तुम्हें पहले बता दूं, घर वालों को बताओ ना, हो तुम्हें पहले बता दूं रजनीश कहाँ गई थी। रिया मिश्रा 2C, ओके, अंजलि 2C के साथ जा रहे हैं, ओके, सी सी सी, कुछ बच्चे बी के साथ जा रहे हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है। देखो बच्चों हीमोग्लोबिन जो होता है, मैंने बहुत बार बता रखा है कि इस हीमोग्लोबिन का तुम्हारे बॉडी में क्या काम है, तो तुम कह दो मैम ये क्या करता है, O2 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, हर कोशिका के पास, हर एक सेल के पास ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ही लेके जाता है। लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन क्या हो जाए, पागल हो जाए, पागल कहने का मतलब है जब ये क्या करे, जब तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा हो जाए, ये ऑक्सीजन ना लेके हर एक सेल के पास किसको ले जाए, ग्लूकोज या फ्रक्टोज को ले जाने लगे, ठीक है, इसकी किससे ऑक्सीजन से लड़ाई हो जाए, इसको ना ले जाके आपकी हर एक सेल के पास क्या ले जाए, ग्लूकोज ले जाए और फ्रक्टोज ले जाए,
ठीक है, तो आपको पता है एक तरीके के सुगर है, तो क्या हो जाएगा आपको डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, समझ जाना कि जब क्या हो जाए आपके बॉडी में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनने लगा है तो आपको क्या होने वाला है, आपको आपको बच्चे आपको क्या होने वाला है, आपको डायबिटीज होने वाला है। ठीक है, तो अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके साथ क्या क्या कंडीशन होती है, ब्लड डेफिशिएंसी होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी, हाँ जी बिल्कुल आयरन डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, प्रेगनेंसी, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्शन आ सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन बच्चों याद रखना, अगर किसी को डायबिटीज है तो क्या तुमने देखा है कि उसकी याददाश्त खराब हो जाए, ठीक है याददाश्त खराब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ सी ऑप्शन सही आएगा, सी ऑप्शन सही आएगा। देख लेना कि हमारे घर में किसी को डायबिटीज है तो उसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, उसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक, हाँ चलो, तो बिल्कुल यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल ठीक है। आइए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, सूखने वाले संकेतक निम्नलिखित में से परिवर्तन दर्शाते हैं, अच्छे से आंसर देना। ठीक है, आपसे पूछ हिंदी पढ़ के आंसर दोगे इस वाले क्वेश्चन का तो आराम से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जो सूखने वाले संकेत हो निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन दर्शाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, कहने का मतलब है कि जब आपको किसी चीज की स्मेल नहीं आती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जब आपकी जो आपकी नेजल कैविटी है, ठीक है, यहाँ की रीजन को जो अंदर वाला है नेजल कैविटी, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑल्फैक्ट्री। ठीक है, तो जो ऑल्फैक्ट्री है, ऑल्फैक्ट्री रीजन, वो किससे किससे संबंध रखता है, तो यहाँ आपका आंसर सही आ जाएगा स्मेल। ठीक है, स्मेल आपका सही आंसर आ जाएगा, डी बिल्कुल ठीक आंसर है। डी बिल्कुल ठीक आंसर है जी, बिल्कुल सिंह जी, मनीषा डी आंसर सही है, रजनीश डी आंसर सही है, बच्चे ओके डी आंसर बिल्कुल ठीक है, डी 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 बिल्कुल ठीक आंसर है डी, ओके वेरी गुड वेरी गुड, डी आंसर डी डी डी। मैम आपको गुजराती आती है, हाँ आती है, एक मिनट को भी अभी बोलती हूँ मैं, अभी याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं आपको बोल के बताऊंगी। चलो, आपसे पूछा जा रहा है ग्लूकोज और प्रोटीन लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड जैसी घुलने वाली शर्करा के बीच गैर एंजाइम अभिक्रिया होती है, जल्दी बताइए। देखो, जो मैंने दो क्वेश्चन में तुम्हें दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन में तुम्हें समझाया है ना, वही यहाँ से पूछा जा रहा है। सही बताओ तो यहाँ से पता है क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है बच्चे, एक तरीके का प्रोटीन है, मैंने बताया था। हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना है, हिम का मतलब आयरन लोहा और ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो कह रहा है जब इस प्रोटीन के साथ ग्लूकोज जुड़ जाए, सीधा सा ये याद रखो, ठीक है, ग्लूकोज जुड़ जाए या कोई सुगर जुड़ जाए तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अभी अभी बताया था, उस प्रोटीन को कहते हैं ग्लाइकेटेड प्रोटीन, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो कह रहा है इस क्रिया को, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, वो आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दो भाई। ठीक है, इतना बताने के बाद आंसर गलत नहीं आना चाहिए। 4D आंसर कर रहे, नहीं बच्चे 4D कैसे आंसर आएगा, हाँ भांग खा के बैठे हो क्या, बताओ कहां गया तुम्हारा दिमाग, आंसर सही करो। हाँ बिल्कुल ए, ओके चलिए, थैंक यू भाई। हाँ मनीषा आंसर करो, अच्छा अननोन गर्ल आ गए हैं, चलो वेरी गुड, इनको पहले से ही टेंशन थी कि मैम जो है आज आएंगी, बहुत खुश थी ये। हाँ जल्दी जल्दी आंसर करो, ए ए ए, चलो बिल्कुल ठीक है आंसर। क्वारिशी बॉय आ गए हैं, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो आराम जो है टाइम से आया करो, जैसे पिंटू आ जाते हैं, मनीषा आ जाते हैं, नीति गहलोत आ जाते हैं, ये सारे बच्चे टाइम से आते हैं। ठीक है, एक अपना वो था सौरभ गुप्ता, आजकल वो कहीं फंसा पड़ा है, बहुत जो है बिजी है वो, कोई बात नहीं है ना, सब बच्चे आया करें और टाइम से आया करें, टाइम से। तो देखिए यहाँ बच्चों ए आंसर से मैंने पहले कहा कह दिया था कि उसे कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, और जो ये क्रिया हो रही, कांड हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकेशन। ठीक है, तो ग्लाइकेशन इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है म्यूकोसा, ठीक है, सब म्यूकोसा या म्यूकस, म्यूकी लिरिस और एडिवेंटिटा, ठीक है, एडिवेंट, एक मिनट, कहां पे लिखा हुआ, एडिवेंट टीसिया, ठीक है, एडिवेंट टीसिया, ये सारी जो चार लेयर है, ऐसे ऐसे चार लेयर है, ठीक है, ऐसे ऐसे चार लेयर है, कौन कौन सी आपकी, म्यूकस, सब म्यूकोसा, या ऐसे ही चार नाम है। ठीक है, देखो बड़े गजब गजब से नाम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों लेयर्स, ठीक है, ये चारों लेयर जहां पे हैं, उस पार्ट को क्या कहा जाता है, स्टमक, अमाशय यानी तुम्हारा पेट जो निकला हुआ है, ठीक है, या आपका गला, या आपका जो है नेजल, ठीक है, नेजल यानी जो नाक में है, ठीक है,
या यहाँ पे लिखा हुआ है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ठीक है। देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का मतलब होता है कि बच्चों जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कहाँ से शुरू होता है, तो आपके माउथ से शुरू होता है, ठीक है, माउथ से शुरू होता है और ये शुरू होके फिर ये कहाँ जाता है, ऐसे ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, फिर ऐसे ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन से ये आपका जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं गुहा, ठीक है, गुहा या एनस, ठीक है, गुहा वाला पार्ट या एनस वाला पार्ट। तो पूछा जा रहा है कि जो एनस वाला पार्ट है यहां से लेके यहां तक जो ये वाला है, तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही आएगा, ये चारों लेयर कहाँ पाई जाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ तो यहाँ पे क्या आंसर सही आएगा, अच्छा बी के साथ जा रहे हैं, ए के साथ भी जा रहे हैं, यस, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, अगर आपको वो चीजें नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, पैसा नहीं लगने वाला। तो यहाँ पे आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, माउस से लेके एनस तक के पार्ट में ये चार क्या होती हैं, लेयर्स आती हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि माउस से लेके एनस तक के पार्ट में ही आपका डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपका क्या पाया जाएगा, आपके चारों लेयर्स पाई जाएंगी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है एंगोस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ एक्सपेरिशिंग, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो एंगस्ट्रॉम है जिसको ऐसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इन बताओ ये एंगस्ट्रॉम जो है इनमें से किसके यूनिट है, ठीक है। फिजिक्स वाले बच्चे जो फिजिक्स पढ़ रखे मेरे से वो गलत नहीं बताएंगे। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये टाइम की यूनिट है ना, या मास की यूनिट है, या लेंथ की यूनिट है, या लंबा फोर्स की यूनिट है, जल्दी से बताओ क्या आंसर सही आएगा। हाँ, और लाइक करते चलेंगे सारे बच्चे, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर क्या है, सी, लंबाई की यूनिट होती है। बहुत बार बता रहा है कि रखा है कि 1 एंगस्ट्रॉम इसका टू होता है 10^-10 मीटर, ठीक है। और इसमें हम वैसे क्या मेजर करते हैं, तो वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ हम इसी में मेजर करते हैं, ठीक है जी, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य हम इसी में मेजर करते हैं, वेव की लंबाई। ओके डन, चले चलिए। तो ये जैसा क्वेश्चन था आपके, किसका पूछा जा रहा, श्वसन तंत्र में ऊपरी भाग छोटी केस जैसे संरचनाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है, यही पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, कि जो है जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी जिससे आप सांस लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो उसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जैसे आपके नाक के बाल होते हैं, नेजल हेयर कहते हैं, ठीक है, नेजल हेयर कहते हैं। तो पूछा जा रहा है, और ऐसे ही बच्चों जैसे नेजल हेयर होते हैं, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर आपके फेफड़े में पाया जाता है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से बाल से होते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ वहां पे बाल नहीं होते, वहां पे वैसे ही स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो कहा जा रहा है उस स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नहीं, ब्रोंकाई नहीं होता, नहीं, गलत, ठीक है, सी सी सी, हाँ कुणाल बताइए, आंसर दीजिए, बिल्कुल, रजनीश है, सुजीत है, ओके, सुषमा है, चलिए। तो देखो यहाँ पर जिन बच्चों ने आंसर किया है वे उनका बिल्कुल ठीक आंसर, सीलिया कहते हैं, देखो बच्चों जो नेजल हेयर होता है उसको भी, और ऐसे ही आपके लंग्स में देखो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है ना, ऐसे बाल, छोटे छोटे बालों की तरह ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं सीलिया, ठीक है, सीलिया यहाँ पे सही आंसर है। ओके, तो जैसे आपके नेजल हेयर क्या करते हैं, कोई डस्ट वस्ट नहीं जाए अंदर आपके लंग्स में, है ना, उसको बचाते हैं, अगर चला भी गया तो उसको जो है फंसाने का काम कौन करता है, उसको फंसाने का काम, उसको फंसा लेता है ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनी होती है। और याद रखना, और याद रखो, अच्छा एक चीज मुझे कोई बताएगा, एक स्ट्रक्चर आपके किसमें पाई जाती है, यहाँ पे मैं बताऊं, आपके जो स्मॉल इंस्टेंटाइन है, ठीक है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में भी कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है उसकी दीवारों पर, कोई मुझे बता सकता है कि उसको, उसे हम किस नाम से जानते हैं, जल्दी से कोई बच्चा मुझे बताएगा कि जो छोटी आंत है उसपे भी कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, इससे वो क्या करती है, इससे जो भी आपके खाने से, पचे हुए खाने से जो भी उसे बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जो क्या करती है, एब्जॉर्ब करना होता है, इस टाइप की जो है स्ट्रक्चर से वो जल्दी से और ज्यादा मात्रा में क्या करती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, जो किसमें होती है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में होती है, छोटी आंत में होती है, कोई मुझे बताएगा, बताओ बच्चों, बताओ, मैंने बताया था आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा रखी है चीजें। हाँ बिल्कुल अनिति सही बता रहे, हाँ बिल्कुल सही बता रहे, तो आपका आंसर क्या आता, विलय, आपका बिल्कुल, आपका सही आंसर आ जाता, ठीक है, विलाई आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाता।
चलिए ठीक है भाई, याद है इसका मतलब तुम्हें थोड़ी बहुत बातें। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, प्राचीन पौधों जैसे काई का अध्ययन जो नम आद्र वातावरण में उगने, ठीक है ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप उस जब हम काई की काई का अध्ययन करते हैं ठीक है, या कोई ऐसा पौधा ठीक है जो किसमें नम जैसी जो नमी वाली जगह हो ठीक है वहां पर उग गया हो, जब पहले पहले उसकी हम स्टडी करते थे कि भाई अगर कोई पेड़ पौधा नमी में उग गया है ठीक है जैसे काई ठीक है, तो उन सबकी स्टडी कहते थे, तो क्या कहते थे आप, तो आपसे पूछा जा रहा है एथनोलॉजी या एथनोबॉटनी, बायोलॉजी ठीक है ब्रायोलॉजी, या जो है आपसे पूछा जा रहा है पैलिनोलॉजी या डेंड्रोलॉजी, बताओ भाई क्या आंसर सही आएगा जल्दी से। प्लेलिस्ट के लिए बोल दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, जाके चेक करो केडी लाइव पे, हमने मैंने सर से कहा था तो सर कह रहे मैम बनी हुई है, बच्चों से बोलो देखेंगे चेक करेंगे, चेक करो बनी तो हुई है, मैंने कहा था सर को बनाने के लिए। हाँ बी आंसर यहाँ पे सही है, ब्रायोलॉजी आपका सही है ठीक है बच्चों, ब्रायोलॉजी आपका सही है। एंथोबॉटनी कब यूज करते थे, पहले जब किसी भी पेड़ पौधे को इसलिए लगाया जाता था, किस लिए, मेडिकल पर्पस के लिए ठीक है, दवाइयां और बनाने के लिए जब हम लगाते थे तो वहां पे हम यूज करते थे एंथोबॉटनी ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है, अगर किसी बच्चे ने क्या कहा है ब्रायोलॉजी, और यहाँ पे जो डेंड्रोलॉजी इसमें क्या करते थे मैम, तो जब इसमें झाड़ियों ठीक है ट्रीज वगैरह का अध्ययन करते हैं, और स्पेशल कौन सी जो झाड़ियां हैं ठीक है, झाड़ियां झाड़ियां तो समझते हो गए ना, है ना झाड़ियां वैसे अच्छी होती हैं। चलिए तो उसमें जब उसका अध्ययन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं डेंड्रोलॉजी। चलो नेक्स्ट पूछा जा रहा, नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए कौन सा सहजीव जीवाणु उत्तरदायी है, कुछ नहीं पूछा जा रहा, सीधा पूछा जा रहा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा बैक्टीरिया कराता है, और बहुत बार बता रखा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि जो भी आपके पेड़ पौधे हैं वो क्या, उनको क्या चाहिए, वो जो आपके एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है उसको डायरेक्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं लेते, उसको नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं ठीक है, किसके फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। तो नाइट्रेट को जब नाइट्रोजन में कन्वर्ट कौन करता है, कौन सा बैक्टीरिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करो भाई, 2A 2A ओके। हाँ यहाँ राइजोबियम बिल्कुल ठीक आंसर है, देखो मैं तुम्हें दिखाऊं तो मैं एक आपके लिए लेके आई हूँ, देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो इस तरीके से बैक्टीरिया है ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, और ये क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है किसमें, ये चेंज कर रहा है नाइट्रोजन को, किसमें, नाइट्रेट में, और फिर ये नाइट्रेट क्या करेगा, ये इस पेड़ अपने जो है पास लेके जाएगा ठीक है जी। शिल्पी मैम फिजिक्स से बनी है शायद ठीक है, शिल्पी मैम फिजिक्स से। चलो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन दर को कहा जाता है, जल्दी से बताइए, आपसे पूछा जा रहा है द रेट ऑफ चेंज, मैंने कहा था कहीं भी रेट दिखे ठीक है तो उसे टी से डिवाइड कर दो, उसके बाद में किसमें, डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टी को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएंगे डिस्प्लेसमेंट बाई टी को क्या कहेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ देखो नीति गहलोत को पता है, कह रहे साइंस बाई शिल्पी मैम नाम से है प्लेलिस्ट ठीक है जी, देखो और कहते हो प्लेलिस्ट नहीं बना, अगर प्लेलिस्ट नहीं बना तो इस बच्चे को कैसे पता। हाँ हाँ तो यहाँ पे क्या आंसर सही आ जाएगा भाई, कुछ बच्चे किसके साथ जा रहे हैं, कुछ बच्चे ठीक है ओके डी के साथ जा रहे हैं, और कुछ बच्चे ए के साथ जा रहे हैं, कुछ बच्चे डी के साथ जा रहे हैं, और ये कह रहा मैम मुझे नहीं पता ठीक है, इससे अच्छी तो बात कुछ हो ही नहीं सकती ठीक है। चलिए हाँ तो देखिए यहाँ पर अगर कोई बच्चा क्या कह रहा, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आंसर सही है, डी आंसर सही है, लेकिन जो बच्चे ए आंसर कर रहे हैं ओके, जो बच्चे ए आंसर कर रहे हैं वो पता नहीं उनका दिमाग कहाँ है, देखिए ए आंसर तब होता जब यहाँ होता वेलोसिटी ठीक है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम
तब आपका आंसर आता है एक्सलरेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका सही आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी आपका सही आंसर आएगा, ठीक। थोड़ा दिमाग लगा लिया करो तुम, है। चलो, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा कोशिकांग क्या होता है। तो आप सब जानते हैं जैसे ये अपनी कोशिका है तो इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, बहुत सारे जो है क्या है, डीएनए वगैरह सब इसके क्या हो जाएंगे, कोशिकांग हो जाएंगे। तो कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो क्या जिसे हम क्या कहते हैं, सुसाइडियल बैग कहते हैं, क्या कहते हैं, सुसाइडियल बैग कहते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर करो। हाँ, आंसर फटाफट आना चाहिए और लाइक और शेयर बढ़ता जो है बढ़ते चले जाए, ऐसी जो है कामना है हमारी और आप हमारी कामना को क्या कह रहे हैं, अजय राणा सर क्लास क्यों नहीं ले रहे। तो सर से पूछो ना, सर क्लास क्यों नहीं ले, मुझे क्या पता क्यों नहीं ले रहे हैं, है? मैं यही करती हूँ आके कि सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, सर कितने बजे क्लास लोगे, यही काम है मेरा, बता, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर सही आ जाएगा, यहाँ पे आपका लाइसोसोम आंसर सही आ जाएगा। क्यों आ जाता है, क्योंकि बच्चों लाइसोसोम क्या करता है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, अगर मान लो सेल के पास कोई भी हानिकारक पदार्थ आ गया, ठीक है, जो इसको क्या करेगा, नुकसान कर पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है, तो ये क्या करेगा, ये अपने अंदर से इतने एंजाइम्स क्रिएट कर देगा कि इसको क्या कर जाए, अपने अंदर ही डाइजेस्ट कर ले जाए, ठीक है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, इतना ज्यादा बना देता है कि इस बेचारे की मेम्ब्रेन ही फट जाती है, ठीक है, इसकी थैली फट जाती है, तो खुद तो जाता ही जाता है और सेल को भी साथ में ले जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं, खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ठीक है। तो इसके साथ वही कांड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बेरी बेरी इज कॉस्ट ड्यू टू लैक ऑफ, करे किसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जल्दी से बता दो, B3 B6 B1 B12, करे कौन से विटामिन की कमी के कारण आपको बेरी बेरी जो रोग है वो होता है, जल्दी बताओ, आंसर करेंगे फटाफट। ये कौन है, नीति गहलोत कॉफी वाला, ये कौन आ गया भाई, है, ये नीति गहलोत कॉफी वाला कौन आ गया, हेलो भाई, हेलो। हाँ चलो, B1 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 के साथ जा रहे हैं सारे बच्चे, चलिए B1 के साथ जा रहे हैं, 10C 10C 10C, ओके। चलो तो बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे इसका अगर साइंटिफिक नेम कहे तो थायमिन, और यहाँ पे आपका क्या आंसर सही आ जाएगा, B1 विटामिन B1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, विटामिन B1 की कमी से। चलिए उसके बाद पूछा, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण आपसे पूछा जा रहा है, जो टिटनेस है, जो रूबेला है, या जो कुष्ठ रोग है जिसे लेपोरिसी कहते हैं, या जो मलेरिया है, इसमें से कौन सी बीमारी है बच्चों जो किसके कारण हो रही है, जो वायरस के कारण हो रही है, ठीक है, किसके कारण हो रही है, वायरस के कारण हो रही है, आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दो कौन सी होगी। हाँ ओके सचिन, कैसे हैं आप, क्या हालचाल है आपके। हाँ जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे भाई, बच्चा पार्टी सभी, ठीक है। और इन जो कंपनी वाले होते हैं ना, मैंने देख रखा, जब मैं तुम्हारी यूट्यूब की क्लास लेती हूँ, उनको कॉल तभी करनी होती है। निधि यादव, ओके सुजीत, हाँ बिल्कुल बच्चों, देखो ये भी बैक्टीरिया से है, टिटनेस भी, लेपोरेसी तो मैंने बताया ही था, बैक्टीरिया से होता है, क्या होता है कुष्ठ रोग में, इसमें आपके जो ऑर्गन है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक है, जो आपके अंग है वो खत्म होने लगते हैं। मैंने कहा था कि रात में सोओगे 5 उंगलियों के साथ और सुबह तुम्हें कितनी मिलेंगी, 4, है ना, जब तुम्हें ये हो जाए, लेकिन कभी ना हो वैसे, तो वैसे इंडिया में अभी नहीं है, लेकिन साउथ वगैरह साइड देखा जाता है। चलिए उसके बाद में क्या है, अगर मलेरिया कहूँ तो एक प्रोटोजोनल डिसीज है, लेकिन अगर रुबेला, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, रुबेला आपका ये जो है रुबेला, रुबेला एक वायरस से ही आपका होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा विटामिन से में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है। देखो मैं पहले बता दूं, 2 विटामिन बहुत जो है ज्यादा पूछे, 3 विटामिन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, एक विटामिन सी, ठीक है जी, सी, एक विटामिन के और एक विटामिन डी, ठीक है, सी पूछा जाता है,
क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम को क्या करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, आपको कैंसर जैसे रोग से बचाता है, आपको कहीं चोट लग गई उस घाव को भरने का भी काम करता है। तो इस ठीक है विटामिन के सबसे बड़ा रोल तो इसका यही है कि जो आपके ब्लड की क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का जमता है, उसमें काम आता है। विटामिन डी क्यों पूछा जाता है, जब तुम्हारी कोई हड्डियां तोड़ दे तो उसमें काम आ जाएगा जोड़ने में, ठीक है। तो इसलिए बच्चों ये तीन विटामिन ज्यादा पूछे जाते हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से बताओ किसमें किसमें जो है विटामिन सी ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, तो बहुत बार बता रखा खट्टे फलों में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, खट्टे फलों में ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंवला बिल्कुल ठीक आंसर आ जाएगा, ओके बच्चों। और अगर ये नहीं होता तो अंगूर, अंगूर खट्टे है ना, तो खट्टे फलों में कौन है, विटामिन सी है। ये ऑप्शन में नहीं होता तो अंगूर आपका सही आंसर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। हरी मिर्च में भी पाया जाता है विटामिन, ठीक है, हरी मिर्च में भी पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। कहीं तुम सोचो मिर्च तो बड़ी तीखी होती है, लेकिन याद रखेंगे हरी मिर्च जो होती है उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। और लाइक और शेयर करते रहेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे फटाफट फटाफट लाइक करो। और कोई बच्चा नया है तो हमारे चैनल को क्या करेगा, सब्सक्राइब कर लेगा। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर जो है खींचा खींचा आ जाता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा। जैसे ये तुम्हारी धरती माता हो गई, ठीक है, लिख दू धरती माता, चल लिख देते हैं तुम्हारी खुशी के लिए, जहां पे हम रह रहे हैं धरती माता। इस बच्चा पार्टी को कुछ नहीं आता है ना, सुनो धरती माता हो गई। अब पूछा जा कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करता है जिसके कारण अगर मैं इस मार्कर को छोड़ू तो भाग के नीचे जा रहा है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दो। अभी से किसकी गुड नाइट हो रही है भाई, कुछ बच्चे तो अभी उठेंगे, सुबह हुई होगी उनकी। हाँ जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। एक के साथ जा रहे, एक बिल्कुल भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स। और याद अगर पूछ ले इस ब्रह्मांड में जो फंडामेंटल फोर्स है उसमें से सबसे कमजोर, सबसे दुर्बल, सबसे वीक फोर्स कौन सा है, वहां भी आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है जी, डन। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के केंद्र के अलावा डीएनए पाया जाता है। पूछा जा रहा है कि कोशिकांग मैंने बताया था, जैसे कोशिकांग में बहुत सारे अंग हैं, ठीक है, बहुत सारे अंग हैं, ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो कह रहा है इसके साथ एक और कौन सा इनमें से जिसमें डीएनए पाया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, बता देना, बहुत बार बता रखा है। और जिसके पास डीएनए पाया जाता है वो अमीर होता है, मैंने ये भी बताया है ना, तो जल्दी से आंसर बता दो। आगे सौरभ आपकी बात हो रही थी कि आप किसी चीज में बहुत बुरी तरीके से बिजी है, आपकी बात हो रही थी, फाइनली आप आ गए हैं। हाँ देखो सौरभ की मॉर्निंग अभी हुई है। चलो नीति गहलोत 13C, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब सबसे पहले जो आंसर देने वाला वो सौरभ ही है, ठीक है, देखते हैं भाई कि कौन सा बच्चा है जो अब सबसे पहले आंसर देगा, ठीक है। तो चलो सारे बच्चे बिल्कुल लग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सबसे पहले आंसर मैं करके दिखाऊंगा, सबसे पहले आंसर मैं करके दिखाऊंगा। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाएगा, खुद का डीएनए पाया जाएगा, इसलिए हम कहते हैं ये अमीर है, ठीक है जी। केंद्रक में पाया जाता है, और कहां पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की अत्यधिक कमी से होता है। चलो भाई बताओ, जो बच्चे होते हैं, ठीक है बच्चों, जो बच्चे होते हैं जब उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दो, ठीक है। और नंबरिंग के साथ आंसर देंगे, ठीक है जी, नंबरिंग के साथ आंसर देंगे तभी आंसर माना जाएगा, ये बात आप याद रखेंगे, नंबरिंग के साथ आंसर दोगे तभी आंसर आपका माना जाएगा, ठीक है। तो 14 का आपके पास ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, ठीक है, आंसर दे दो जल्दी से। हाँ 14A, 14A, मैंने यही नहीं देखा कि सबसे इतनी जल्दी तुमने आंसर कर दिया, मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले आंसर किसने किया, मैंने सही में नहीं देखा किस बच्चे ने सबसे पहले आंसर फेंका था, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे देखो प्रोटीन की कमी से तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वासी क्योर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एनीमिया बच्चों खून की कमी से होता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो का मतलब हड्डी, पोरोसिस का मतलब छिद्र, जो हड्डियों में छिद्र हो जाता है उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये विटामिन डी की कमी से होगा, ठीक है जी, ये खून की कमी से होगा। गोइटर यानी
घेंघा, ये आयोडीन की कमी से होगा। ठीक है जी, देखो जो एक क्वाइशियरकर है बच्चों में हो जाता तो उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। ठीक है, कहते हैं कुपोषण का शिकार हो गया है बच्चे, ठीक है, कहते हैं ना कुपोषण का शिकार हो गया तो उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। देखो इनका पेट बाहर आ जाता है, ठीक है, बच्चे बच्चों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है जो किसके प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कुपोषण का शिकार हो गया है, तो उस बच्चे की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, चले देख लिया सभी बच्चों ने इस, देखो इस बीमारी का नाम सुना होगा लेकिन कुछ बच्चों ने इस बीमारी के बारे में इनको पता नहीं होगा कि हालत क्या होती है। देखो कुछ ऐसी हालत हो जाती है, ठीक है, कुछ ऐसी हालत हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि पोषण को स्वपोषी के लिए, देखो पूछा जा रहा है स्वपोषी मतलब जो अपना खाना खुद बनाए, ठीक है, स्वपोषी का मतलब क्या होता, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता, जो खाना अपना खुद बना ले जैसे पेड़ पौधे, तो कह रहा जो पेड़ पौधे हैं जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, जल्दी से, हाँ आपके पास ऑप्शन है, पढ़ लो और मुझे बताओ क्या आंसर सही आएगा, पढ़ लो इसे और मुझे बताओ क्या आंसर सही आएगा। हाँ अननोन गर्ल बिल्कुल सही है, और ये जो नीति गहलोत कॉफी वाला आया, सही सही अपना नाम लिख लो, ठीक है। क्या तुम्हारे दिमाग में है भाई, क्यों उस बच्चे को सारे परेशान करते हैं, क्लास का सबसे सीधी जो है कह सकते हैं स्टूडेंट है वो। अंजलि सिंह है, ओके, प्रिंस शर्मा है, सौरभ गुप्ता 15D के साथ जा रहे हैं। चलो अच्छे से पढ़ लिया, ढंग से देख लिया क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ लिया, तो देखो भाई अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे डी आंसर किया है, और मैं तो सही बता, मैं सीरियसली मैं जितनी बार पढ़ रही हूँ कॉफी नीति गलत कॉफी वाला, मेरे को सच में बहुत हंसी आ रही है। तो क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर तो चाहिए ही चाहिए, क्लोरोफिल तो चाहिए ही चाहिए, सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जी, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हेपेटाइटिस के कारण होता है, बताओ भाई जो हेपेटाइटिस है वो किसके कारण होता है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस फंगी किसके कारण होता है आप हेपेटाइटिस, ठीक है, लीवर में होता है, ठीक है, लीवर आपका लीवर वैसे ठीक ठाक सा है लेकिन जब लीवर में क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों वहां पे, क्या हो जाएगा वहां पे, आपके लीवर में सूजन आ जाएगी, ठीक है, जो लीवर फंक्शन करता है जो लीवर फंक्शन करता है, कह रहे मैम मुझे नहीं पता ये कौन है, ये कोई तुमसे चिढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है। सुनो तो क्या है जो लीवर है, ठीक है बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम यकृत कहते हैं या जिगर कहते हैं आम भाषा में, तो इसमें क्या हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, इसका जो फंक्शन है, ठीक है, ये उस फंक्शन को ढंग से नहीं कर रहा होगा। ओके हाँ आंसर कर दो भाई बच्चों, क्या आंसर सही आएगा, वायरस। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ लीवर डैमेज होता है बिल्कुल, रिया मिश्रा 16C, ओके, मनीषा 16C, ओके, सौरभ गुप्ता वायरस, बिल्कुल बच्चों देखो वायरस किस, ए बी वायरस, ए जो है कई टाइप के होते हैं, ए बी सी डी, तो जैसा जैसा यहाँ पे क्या होता है वायरस होते हैं वैसे वैसे हेपेटाइटिस ए बी ऐसे करके यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, तो याद रखना है ये लीवर से संबंधित है और यहाँ पे आपका वायरस सही आंसर है। चलिए पूछा जा रहा है कि जो पिकॉक है, ठीक है, फेवरेट सभी बच्चों का फेवरेट है, ठीक है, इंडिया का फेवरेट है, तो पूछा जा रहा है जो पिकॉक है, ठीक है, वो आपसे पूछा जा रहा पिकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, तुम नाम बताओ, मैं उसकी चित्रकारी करती हूँ, मेरा मन थोड़ा सा हो गया कि मैं चित्रकारी करूँ, ठीक है, तो जल्दी से क्या करेंगे पिकॉक की क्या बताएंगे उसके बारे में, पिकॉक के बारे में, ठीक है, तो जल्दी से क्या करेंगे पिकॉक के बारे में, क्या करेंगे बताएंगे मुझे, ये आपका तड़कता भड़कता पिकॉक बन गया है, ठीक है, चलो जगह कम थी नहीं तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, ठीक है, हंसने वाली कोई बात नहीं है। हाँ बी बी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ओके बी बी कह रहे हैं, बी के साथ जा रहे हैं, ओके बी 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 हंसना नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हें बुलाऊंगी ना इससे बुरा बना के बताओगे, वो तो मैंने इतने कम टाइम में इतनी छोटी सी जगह में, ठीक है, इसे कहते हैं चित्रकारी, तो यहाँ पे देखो याद रखो पिकॉक से यानी पी पी, ठीक है, और पी से याद रखो पाओ, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आपने, ठीक है, कि पी से पिकॉक, ठीक है, पी फॉर पिकॉक, पिकॉक मींस मोर, ऐसे ही पढ़ते थे बचपन में। चलो पूछा जा रहा चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दे से संबंधित है, सीधा पूछा जा रहा आपको कि जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, जिसमें हम किडनी को निकाल के बाहर रख देंगे, मतलब किडनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किडनी निकाल के बाहर नहीं रखना, किडनी के बारे में हमें पढ़ना है।
बहुत मार खाओगे, ठीक है। ये जो है ना, अभी आपका भी तो नाम लिखा गया था यहाँ पे, नीति गहलोत कॉफी वाला। मैं हंस रही थी, नहीं हंस रही थी, ठीक है, फिर मेरी चित्रकारी पे हंसना नहीं है। चलो बेस्ट है मिस। देखो मनीषा जैसे बच्चे चाहिए। देखो कह रहे मैम बहुत अच्छा, इससे अच्छी चित्रकारी हो ही नहीं सकती। बताओ ऐसे बच्चे भी है दुनिया में। चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि जिसमें तुम किडनी के बारे में पढ़ोगे बच्चों उसे क्या कहते हैं। तो किडनी की यूनिट क्या है बच्चों, क्या है किडनी की यूनिट मैम? नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन से मिलता जुलता वर्ड कौन सा दिख रहा है भाई बच्चों? मैम यहाँ पे हमें नेफ्रोलॉजी बिल्कुल ठीक आंसर दिख रहा है। और जब जाओगे तुम हॉस्पिटल में, ठीक है, और किडनी की कुछ भी दवाइयां लेनी, कुछ भी लेनी है, तो आप कहेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट किधर बैठते हैं, आप ऐसे पूछेंगे उनसे, ठीक है। चलो पारा का निम्न सीधा पूछा जा रहा है, जो मरकरी है, ठीक है, पारा है बच्चों, उसका क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, आपसे पूछा जा रहा है। हिमांक बिंदु आपसे पूछा जा रहा है। चलो बताओ भाई, पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, डन। वैसे ही पूछा जा रहा है कि जो पारा है, जो मरकरी है, वो कितने डिग्री पर जमेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है कि जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल, ठीक है, हम कितना मान के चलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस पे ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसे कितना टेम्परेचर हम लो कर दें कि ये क्या बन जाए, ये जो है इस ये हिमांक बन जाए, यानी फ्रीजिंग पॉइंट इसका पूछ रहा है। क्या आंसर सही आएगा जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। चलो बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, ओके। और इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी बताएंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बताएंगे। 39 बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, वेरी गुड। ऐसे ही करो, ठीक है, एक दिन सिलेक्शन दिला के तभी जाएंगे केडी लाइफ, डोंट वरी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, चलो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अस्थि सुषिरता से संबंधित है, ठीक है, सीधा पूछा जा रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस से, ठीक है। देखो अभी बताया था ऑस्टियोपोरोसिस कहाँ होता है, अभी बताया था, और अगर ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आप जानते हैं तो बच्चों आप क्या बता सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कौन से विटामिन से संबंधित है, कौन सा ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। जिन बच्चों ने मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया होगा ना, वो 100% बता ले जाएंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, ठीक है जी, वो गलत नहीं करेंगे। और लाइक और शेयर बच्चे करते चलेंगे, नहीं तो अब मुझे मेरा मन हो रहा है कि मैं पाप वाली बात जो है शुरू करूं, ठीक है। अगर आप लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो जो पाप था ना वो मैं फिर से स्टार्ट कर दूं। हालांकि जब दिन वो खत्म हो गए तो मैंने वो देना खत्म कर दिया था, लेकिन याद रखो मैं उसको स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए काम करेंगे। बिल्कुल सौरभ गुप्ता, बिल्कुल कैल्सिफेरॉल बिल्कुल ठीक आंसर है। विटामिन डी यहाँ पे बिल्कुल ठीक आंसर है भाई, विटामिन डी बिल्कुल सही आंसर बच्चों, है ना, विटामिन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। देखो सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है भाई, हड्डियों से संबंधित है, ठीक है, हड्डियों से संबंधित है। और याद रखो कि दूध में क्या होता है, विटामिन डी, और मम्मी हमेशा क्या कहती है, दूध पियो और हड्डियां मजबूत करो, ठीक है। मम्मी को भी ये बात पता है, तो जब मम्मी को ये बात पता है तो हमें भी ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी बीमारी होती है तो कहीं ना कहीं वो विटामिन डी की कमी से हो रही होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी से हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी जल्दी से। निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है, ठीक है, पूछा जा रहा है, कॉम्युनिकेबल डिसीज आपसे पूछा जा रहा है। देखो अभी पढ़ाया था ना डिसीज के बारे में, मैंने कहा था कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगी, देखना एक दो क्वेश्चन वहां से मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए मैंने पढ़ाया था, ठीक है। मुझे सपने नहीं आते कि कल चल के वो पढ़ा दो, ठीक है, इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ अच्छा, 1 मार्च को मेरी शादी हो रही है, प्लीज प्लीज आपको आना है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आ जाएंगे, एड्रेस तो दे दो भाई, है बिना एड्रेस के कैसे आएंगे, पहले एड्रेस दो, है शादी से अच्छा अगर तुम सिलेक्शन लेते तो जल्दी आते हम, ठीक है। चलिए पहले सिलेक्शन लीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या है यहाँ पे, अल्जाइमर। देखो अल्जाइमर क्या होता है कि जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं, दादा वादा, उनको थोड़ी भूलने की बीमारी हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि दादाजी कुछ भूल रहे हैं तो हम भी भूलने लगते हैं, ठीक है,
तो ये तो हुई नहीं। ओके डायबिटीज नहीं, मैंने पहले ही कहा था, ऐसा तो है नहीं कि भाई मौसा जी को क्या है डायबिटीज है, उनके साथ हम कहीं चले गए तो हमें डायबिटीज हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, अस्थमा के साथ भी ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी है यहाँ पे? खसरा। ठीक है, खसरा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जिस बंदे को है ये, ठीक है, उसे क्या होगा, उसे बहुत तेज बुखार होगा, खांसी आएगी, ठीक है, उसकी स्किन पे रेड 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 से धब्बे पड़ने लगेंगे, ये सारी दिक्कत होती है, आंखों में प्रॉब्लम होती है। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, पहले सिलेक्शन लो। ठीक है। चलिए, पूछा जा रहा है पैतृक गुणसूत्रों के किस संयोजन का परिमाण मादा के रूप में होता, पूछा सीधा पूछा जा रहा है कि कौन से क्रोमोसोम मिलते हैं, ठीक है बच्चों, कौन सा पेयर होता है जो क्या होता है जब जो बेबी होगा वो क्या होगा, बेबी गर्ल। ठीक है, कब बेबी गर्ल होती है ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो बेबी हुआ वो गर्ल कब होगी, कौन सा क्रोमोसोम यहाँ पे काम आएगा। तो आप सब जानते हैं कितने भाई, कितने क्रोमोसोम है, कितने पेयर, तो कहोगे 23 पेयर। ठीक है जी, 23 पेयर, 22 बिल्कुल सेम होते हैं लड़का हो या लड़की, ठीक है, और एक पेयर यहाँ पे क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, जो सेम होता है उसे कहते हैं ऑटोसोम और जो अलग होता है उसे कहते हैं एलोसोम। ठीक है, तो और क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो अलग होता है, एक होता है एक्स एक्स और एक होता है एक्स वाई। ठीक है बच्चों, एक्स एक्स होगा तो हो जाएगी बेबी गर्ल, ठीक है, और अगर एक्स वाई होगा तो हो जाएगा बेबी बॉय। ठीक है, चुन्नू मुन्नू। ओके, हाँ एक्स एक्स बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपका बी आंसर बिल्कुल डन डना डन, मामला खत्म करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, अमीबा का संबंध निम्न में से किस समूह से, जल्दी से बताओ कि अमीबा को हम कहाँ रखते हैं। ठीक है, मोनेरा में क्या पढ़ते हैं बच्चों, मोनेरा में बैक्टीरिया पढ़ते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, आपसे अमीबा के बारे में पूछा गया है, जल्दी से बताओ क्या आंसर सही आ सकता है, क्या आंसर सही आ सकता है। हाँ एक्स वाई बॉय हो जाएगा, एक्स एक्स गर्ल, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल यादव जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, आपकी बातें गलत नहीं होती है। दीपक कह रहे चुन्नू मुन्नू। हाँ चुन्नू भाई, चुन्नू मुन्नू ही है ना, छोटे से है तो चुन्नू मुन्नू ही है, गर्ल हो या बॉय। क्वेश्चन का आंसर कहो फटाफट, हाँ क्या सही आएगा भाई, तुम्हारे जो तुम्हारी बुद्धि लग रही है कि शायद ये वाला सही हो सकता है, क्या सही लग रहा है आपको, क्या ठीक हो सकता है आंसर, जल्दी जल्दी करेंगे। 22C, 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 ओके। तो सी आपका प्रोटिस्टा, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अमीबा के अमीबा जो भी होता है, ठीक है, यूग्लिना टाइप ये सब कहाँ होते हैं, ये सब प्रोटिस्टा में होते हैं। पूछा जा रहा है यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कोई अगर मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, माइनस काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताओ। बहुत बार ये चीजें बता रखी है मैंने, ठीक है, ये चीजें बहुत बार बता रखी है। हाँ अच्छा, मिठाई लेकर आ रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल आइए आइए, सिलेक्शन कर लिया क्या आपने, कुछ बताओ भाई किस खुशी में मिठाई लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल आइए, आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, आ जाइए। ठीक है भाई, ठीक है, चलो आंसर कर दो जल्दी से, तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती हैं, है ना। हाँ क्या आंसर सही आएगा, 23A, 23A। तो बिल्कुल भाई, हमने बताया था कि जब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करते हैं तो क्या क्या आता है, टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल लिख लो, मैकेनिकल पूछा, मैकेनिकल एनर्जी, तो अगर इसको इधर कर देंगे तो इधर कौन सा बचेगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, क्या होता है फॉर्मूला, MgH। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है MgH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रोटा वायरस टीके का प्रयोग किस रोग से रोकथाम के लिए किया जाता है, बताओ भाई आंसर करेंगे जल्दी से। आपसे पूछा जा रहा है अगर किसी को क्या है, रोटा वायरस का टीका लगाया जा रहा है, ठीक है, तो क्यों लगाया जाता है, जल्दी से बताइए, किस बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर करो, जल्दी 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 आंसर करेंगे भाई बच्चों, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, कितना टाइम हो गया है ये भी देखते चलेंगे, कहीं जो है ज्यादा टाइम हो जाए। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस
उसकी वैक्सीन लग रही थी ना, सब कह रहे थे कि वैक्सीन लगवाओ वैक्सीन लगवाओ, ठीक है। वैसे ही पूछा जा रहा है कि जो रोटा वायरस है उसकी वैक्सीन लगी होगी तो किस रोग से बचने के लिए लगी होगी। हाँ भी बिल्कुल सही आंसर है, क्या हो जाएगा, डायरिया, ठीक है, डायरिया यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, जल्दी बताओ कौन सा रोग है जो विषाणु यानी वायरस से हो रहा है, आपका दांत खसरा, ठीक है, या कोलेरा या टाइफाइड, क्या आंसर है जल्दी बताइए कौन सा है भाई। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कर लेंगे, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कर लेंगे और फटाफट 200 लाइक कर देंगे सभी बच्चे, है ना, जितने बच्चे आते जाएंगे 200 लाइक कर देंगे। हाँ आंसर बताओ भाई यहाँ पे क्या सही आएगा कि जो आपका क्या है वायरस है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस है, कौन सा रोग है, कौन सी डिसीज है जो वायरस के कारण होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ बिल्कुल ओके ओके, हाँ बिल्कुल यहाँ पे आपका क्या सी आंसर सही हो जाएगा। अभी अभी बताया, देखो ये फंगी, ठीक है, फंगी करता है ये कच्चा गंजा दामाद फ्रूट खाए, है ना, क्या है, गंजा दामाद फ्रूट खाए, तो दामाद में जो हम दाल आ रहे थे उससे मैंने बताया था जो दाद है जो रिंगवॉर्म वो किससे होता है, फंगी से होता है, ठीक है, और ये सब कहाँ से हो जाएगा, ये सब आपके बैक्टीरिया से हो जाएगा, बचाइए ये होता है वायरस से, ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले ही। नेक्स्ट पूछा जा रहा है हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा रहा है, ठीक है, व्हिच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन हाइड्रा, जल्दी बताओ भाई कैसा होता है, कैसा प्रजनन होगा हाइड्रा में, जल्दी बताएंगे। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा एक तरीके का एनिमल है, ये याद रखेंगे, पौधा नहीं है, ये पानी में पाया जाता है। हाँ पिंटू कुमार यादव 24C के साथ जा रहे हैं। हाँ बडिंग आंसर आया है सबसे पहले, ओके, न्यूली एडेड, ओके, अनु बी, ओके ओके, मुकलन, बडिंग बडिंग बडिंग, तो यहाँ पे क्या है, बडिंग बिल्कुल सही आंसर है। बच्चे बडिंग कैसे होता है, तो देखो ऐसे होता है, यूनिसेक्सुअल है पहली बात तो, और कैसे होगा, तो देखो ऐसे होता है कि जैसे इनका कोई एक भाग ऐसे बढ़ने लगेगा, इतना बढ़ गया, ठीक है, इतना बढ़ गया, अब जब इसको लग जाएगा कि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसने मेरे को भाई बड़ा कर दिया जितना हो सकता था, तो इससे अलग हो जाएगा, इस तरीके से अलग हो जाएगा और अपना एक नया स्टार्ट कर लेगा, ठीक है, तो इसलिए इस तरीके की जो है बडिंग, इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, ठीक है, किसमें होता है, हाइड्रा में होता है, याद रखना है, ओके। चले भाई देख लिया जी भर के, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, पृथ्वी के पृष्ठ पे के प्लैन वेग का मान पूछा जा रहा है, सर जल्दी बताइए प्लैन वेग क्या है, वो वेलोसिटी जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर जाए, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एरिया है उसको क्रॉस कर जाए, ठीक है, मेरे अंदर कुछ ऐसा आ जाए, इतनी गुस्सा आ जाए कि मैं इतनी तेज मारू इस मार्कर को फेंक के कि ये क्या कर जाए, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एरिया उसको क्रॉस कर जाए, ठीक है, तो मैं इसको कितनी तेज फेंकूं, ये आपको बताना है। हाँ आंसर करो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दो। बुखार क्यों आता है बच्चे, एंटीबॉडीज उसमें आपके जो है वो क्या डाली गई थी, एंटीबॉडीज डाली गई थी, नकली एंटीबॉडीज, अब नकली एंटीबॉडीज डाली गई थी तो जो तुम्हारे बॉडी में रियल वाली है उनको तो गुस्सा आएगा ही आएगा, चाहे तुम फेक में डालो या रियल में डालो, तो वो उससे लड़ाई करने लगी थी, ठीक है, उनको समझ में नहीं आया था ये फायदे के लिए आई है, इस चक्कर में बुखार आया था। चलो जल्दी बताओ, तो यहाँ पे आपका 11 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, मतलब इतनी तेज किसी चीज को फेंक दो कि वो एक सेकंड में कितना भाग जाए, 11 किलोमीटर भाग जाए, तो क्या कर जाएगी, जो पृथ्वी का क्या है ग्रेविटेशनल एरिया उसको क्रॉस कर जाएगी, और मून का कितना होता है 2.35, ठीक है, 2.35 किलोमीटर पर सेकंड, इतना कम क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, आहार नली के किस भाग में वसा का संपूर्ण पाचन होता है, चलिए बताइए भाई, आपको पता है कि यहां से लेके यहां तक क्या था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था, तो पूछा जा रहा उसमें से किस पार्ट में, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, चाहे स्टमक हो गया, या माउथ हो गया,
जो आपका फैट है, लिपिड्स जो था, उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दो। डाइजेशन देखो मैंने कहा था डाइजेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और 192 लाइक हो गया है, मैं चाहूंगी कि क्या करें, 8 बच्चे लाइक और कर देंगे ताकि यहाँ पे 200 लाइक आ जाए, है ना, और मुझे थोड़ी सी खुशी मिले। जल्दी जल्दी आंसर करो, ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस और है करके फिर हम घर चल लेंगे, फटाफट छुट्टी हो जाएगी आपकी। हाँ, क्या आंसर सही आएगा भाई? चलिए, तो यहाँ पे आपका छोटी आंत बिल्कुल सही आंसर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। पूरा डाइजेशन में अच्छे से पढ़ाया था, बिल्कुल जो है बोर्ड के अंदर जाके, मतलब बिल्कुल डिटेल में जाके पूछा जा रहा, जो प्लास्टिक सर्जरी होती है ना उसके जनक कौन है, ठीक है। जो प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं ना, करवा के बहुत सुंदर बन जाते हैं सेलिब्रिटी वगैरह, है ना, तो पूछा जा रहा है उस अगर कौन से इसमें वैज्ञानिक है जिन्होंने इसकी जो है स्टार्टिंग की थी, ठीक है। अगर वो नहीं होते तो आज कोई सेलिब्रिटी इतना ज्यादा सुंदर नहीं दिखता, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आजकल तो लड़कियां क्या करती है, लिप फ्लफी करा लेती हैं, है ना, क्या करा के, प्लास्टिक सर्जरी करा के। चलिए, तो आप बताइए इसका आंसर बताइए, आप ये सब छोड़िए, ठीक है, आप आंसर कीजिए, आंसर करो जल्दी से। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या है, सुश्रुत, बिल्कुल सही आंसर है, सुश्रुत जी जो क्या है, बिल्कुल अगर ये नहीं होते तो आज कोई सुंदर नहीं होता। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव श्वपोषी पोषण पाया जाता है, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा है जो श्वपोषी है, ठीक है। बच्चा फंगाई नहीं है, ठीक है, वायरस भी नहीं हमारी बॉडी में आके हमें ही मारता है, ठीक है, प्रोटोजोआ भी नहीं, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, श्वपोषी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और भी है क्या, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। एक लोहे के एक हथौड़े को धूप में रखा जाता है तो इसके लकड़ी के जो है हथौड़े से अधिक गर्म हो जाता है, ठीक है, कह रहा एक लोहा का हथौड़ा धूप में रख दो और एक लकड़ी का रख दो, ठीक है, हत्था, ठीक है, लकड़ी का हत्था जो भी है उसे रख दो तो ज्यादा गर्म हथौड़ा क्यों हो जाता है, ये पूछा जा रहा है, आंसर करो अच्छे से, जो है पढ़ लेना ऑप्शंस और फिर आंसर करना। जल्दी जल्दी करो भाई, क्या आंसर सही आएगा? हाँ, और आज सही में बताऊँ खुशी हो रही है क्योंकि 220 ही बच्चे लाइक कर चुके हैं और 220 बच्चे लाइव हैं, चलो अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऐसे करना चाहिए, काम निकम्मो ऐसे सही है, ठीक है, आज तुमने हिम्मत दिखाई है थोड़ी। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर सही आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा क्योंकि लोहा क्या है, आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके, ये आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन मैं रखना चाहूंगी, आपका टाइम हो चुका है, ओके, ठीक है बच्चों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और हम जो है अब मिलेंगे मंडे, ठीक है, मंडे 5 PM, कितने बजे मिलोगे, कितने बजे मिलोगे भाई, मंडे 5 PM आ जाना, और अगर ये PDF किसी को चाहिए तो KD लाइव की ऐप इंस्टॉल करेगा और वहीं से क्या करेगा, जब ऐप इंस्टॉल करोगे तो जो होम स्क्रीन आता है ऊपर एक आपको कुछ हेडफोन जैसा ऐसा सा कुछ सिंबल आएगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है उस पर क्लिक करना है, फिर आएगा चूज योर PDF, उसके बाद आप उसी तरीके से PDF क्या करेंगे, इतने पढ़े लिखे तो हो, ऑप्शन आता है, फिर क्या करना कि शिल्पी मैम जो भी आपका PDF लेना वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम मंडे मिलेंगे कितने बजे, 5 बजे, ठीक है, 5 PM मंडे, ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी, बाद में मत कहना मैम कभी दुख नहीं पूछते, हाँ हाँ 5 PM बिल्कुल। तो सब बच्चे कितने बजे आएंगे, 5 बजे, ठीक है, 5 बजे आ जाना, हाँ नहीं कल नहीं है, संडे नहीं है, ठीक है, चलो बाय भाई सभी बच्चों को, बाय सौरभ, अननोन गर्ल पिंटू, ठीक है, और कौन है हेल्पिंग, ओके, चलिए सुषमा, चलिए सब बच्चों को बाय है भाई, अब हम मिलेंगे मंडे, ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे। और मंडे हम क्या करेंगे, मैंने सोचा है कुछ हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, कुछ हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे, और मैं प्लेलिस्ट एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, एक बार साइंस वाइज शिल्पी मैम से प्लेलिस्ट चेक करना, वहां पे आपको दिख जाएगा, ओके, चलिए थैंक यू सो मच, और लाइक और शेयर सभी बच्चे करेंगे जरूर, ठीक है, लाइक और शेयर सभी बच्चे करेंगे, चलो थैंक यू भाई, अपना ध्यान रखें सारे बच्चे।